जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, फेसबुक का पेज है नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के नाम से, और अभी मेरे साथ कॉल पर एक अली साहब मौजूद हैं। अली साहब अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे जो रेलिवेंट हो, या आप चाहो तो मिनिमम। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। स्माइली हूँ और ओके दोस्त के जरिए आपका ये ग्रुप का एड्रेस मिला था तो भी जी इन किया है, और बस लर्न करना चाह रहा हूँ कि क्या एक्चुअली मेन पर्पस जो है वो यहाँ आपके साथ डिस्कशन का है कि कुछ चीजों को देना वो लर्न किया जाए। कुछ चीजें हैं जैसे स्माइली हमारे कुछ अकायद हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में सवालात किए जाते हैं, कुछ सवालात हमारे जी जहन में भी हैं एज ए स्माइली। हमारे स्माइली कम्युनिटी के अंदर भी कुछ ग्रुप्स हैं जो सवालात करते हैं, कुछ हमारे लोग अपने भी, तो जहन में कन्फ्यूजन आती है तो इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ माइंड में कुछ क्लियरिफिकेशन आ जाती हैं। अच्छा, यानी कि अली तो भाई आप ये कह रहे हैं कि आप स्माइली भी हैं लेकिन आपके भी कुछ सवालात हैं जिनके आपको जवाब आज तक नहीं मिले, ये आप कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बंदे के जहन में कुछ सवालात होते हैं, हर कम्युनिटी के जहनों में कुछ सवालात होते हैं, कुछ उलझने होती बिल्कुल हैं, क्योंकि ना सिर्फ इस्माइलियों के बल्कि हर कम्युनिटी के, शिया सुन्नी इवन क्रिश्चियन इवन नॉन जो मजहब के लोग हैं, हर किसी के जहनों में होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, कल्चर का इफेक्ट होता है, दूसरे रिलीजन और दूसरे सेक्शंस ऑफ इस्लाम की तरफ से काफ़ी सारी बातें आती हैं, तो हर किसी के जहनों में आता है, ये एक नेचुरल बात है। बिल्कुल नेचुरल तो बात है। इवन ये कि ऑफ हम अगर क्रिश्चियन ग्रुप में जाते हैं तो वो भी हमारे जहनों में ऐसी बातें डालते हैं जिसको अगर हम स्टडी ना करें तो हम भी इंतशार और फतूर के दिमाग हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि तो पता नहीं, तो हम उसके ये सवालात के नेचुरल है, जवाब ढूंढने दैट्स निकलते हैं। हाँ दैट्स कंप्लीटली नेचुरल। ये एक नेचुरल बात है कि हर किसी के जहनों में, हर फिरके के, हर मजहब के लोगों में सवालात होते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं भी होती हैं। तो ठीक मतलब मकसद यही है कि लर्न किया जाए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, ना कि ये कि किसी को जो है ना वो कोई मतलब आउट ऑफ एथिक्स जाके किसी को जो है मनवाया जाए, क्योंकि मनवा तो हम किसी को सकते नहीं है। इवन रसूल सल्लम ने भी मनवाया नहीं था, सिर्फ पैगाम पहुंचाया था कुरान के मुताबिक। तो हम बिल्कुल। पैगाम पहुंचा सकते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, वो फिर तो एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। अली भाई मैं एक सवाल, मतलब ऑफ द टॉपिक है क्योंकि टॉपिक तो स्क्रीन पे चल ही रहा है हमारा, लेकिन मैं ऑफ द टॉपिक ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर जैसे आपने कहा कि एज अ स्माइली आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो उनमें से कोई एक को ही अगर आप डिस्कस करना चाहो। बहुत सारी चीजें हैं अब मैं मतलब सुनिए, मैं मुझे। इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन ये करवा दूँ कि मैं एक स्माइली हूँ और मेरे भी बहुत सारे सवालात थे जिनके मुझे जवाब नहीं मिले थे, तो ऑफ वही कोर्स रीजन ऑफ कोर्स। बना मेरा, वही मेरा रीजन बना रिवर्ट होने का। तो शायद आपके भी वो सवाल हो, इसलिए मैं थोड़ी क्यूरियस होके पूछ रही हूँ कि आपका कौन सा सवाल है जो आपको अभी है दिमाग में, शायद मेरे साथ मुझे अपना जवाब मिल जाए उस वक्त का है जो आज तक नहीं मिला। देखें सिस्टर, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एज ए स्माइली हम क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकते, शायद हमारे पास नॉलेज की कमी है, क्योंकि हम एक आम स्माइली हैं जो कि रूट रूट लेवल पे होते हैं। इसी तरह हर फिरके में, हर सेक्शन में रूट लेवल के जो लोग होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो अपनी जो है ना वो दुनिया परस्ती में इतने मशगूल होते हैं कि उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, ना ही उनको एक्सेस होती है, ना ही उनके पास टाइम होता है। उनकी अपनी परेशानियां इतनी होती हैं जिंदगी गुजारने की कि वो इन चीजों में लेकिन नहीं फिर आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट ये कर रहे हैं कि आप इस्माइली हजरत को, शायद आप इसको प्रिविलेज भी समझते हो और एडवांटेज भी समझते हो कि आपके पास एक जिंदा हाजिर इमाम मौजूद है आपके तमाम सवाल के जवाब देने के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से क्यों इस तरह की चीज़ है कि आपको अभी तक रहनुमाई नहीं मिल सकी? बहन मेरी, देखें ऐसा होता है कि एक चीज होती है इंटरप्रिटेशन, वो वहां से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं रूट लेवल तक, एक स्माइली तक पहुंचने तक, बीच में बहुत सारे जो है ना वो इदारे होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है ना, वो वहां से
चीजें लेकर फिर हम तक हमारे जमात खानों में एज अ मिशनरी वो आते हैं, वो जमातों को बताते हैं। लेकिन फिर सवाल तो फिर मेरा आपसे वही होगा ना कि आप इस्माइली हैं, आपके पास जिंदा हाजिर इमाम मौजूद है, उसके बावजूद भी आपको रहनुमाई नहीं मिल रही, तो क्या डिफरेंस है? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सिस्टर के कुरान और सुन्नत और जो हदीस, लेकिन वो भी जो है ना एक आम मुसलमान तक उसकी जो इंटरप्रिटेशन जो पहुंचती है वो नहीं होती है, वो बीच में जो लोग होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो यही सिलसिला इस्माइलियों के साथ भी है, जो इमाम के जो हुक्म आते हैं वो एक इस्माइली को समझने में जो हमारे मिशनरीज हैं वो हमें उसकी तशरीह करके बताते हैं। फिर सवालात तो ऑफकोर्स जहनों में पैदा होते ही हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो लेकिन ये पता करना अरे भाई, पड़ेगा, कंप्लीट इसमें नहीं एक है सर। सवाल मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी कि अगर आप ये कहते हैं कि जो कुरान और इस्लाम हम तक पहुंचा है सही अहादीस और कुरान के जरिए, आप ही कहते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन सही आज तक हम मुसलमानों तक नहीं पहुंची है, मैं आपको भी मिला के बात कर रही हूँ, तो आप ये कहते हो कि हम तक वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं पहुंची अब तक? वो सही नहीं पहुंची है, ऑफ कोर्स ये नेचुरल है, वो सही नहीं, पहुंचेगी भी नहीं, नेचुरल नहीं, नेचुरल क्योंकि नहीं है, क्योंकि जो जहन जो है ना एक इंसानी जहन जो है वो 1400 साल पहले जो पैगाम आया है उसके लिए जो जिन सोर्सेस के थ्रू वो हम तक पहुंचा है, ये एक नेचुरल बात है कि ये वो पैगाम नहीं होगा। पैगाम से मुराद इंटरप्रिटेशन है, मैं कुरान की आयतों की बात नहीं कर रहा, हदीस की बात नहीं कर रहा कि ये वो हदीसें नहीं है या कुरान की ये वो आयतें नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो उसकी इंटरप्रिटेशन हम तक जो पहुंची है उसमें काफी सारी जो है ना वो चेंजेस की गई हैं, अपने दिमाग के आइडियाज मिला के लोगों को बताया किसमें गया है चेंजेस अपने किए? मकसद के लिए। अगर आपके आपके जहन में एक बार मैं आपको बात डाल दूं कि आपने खुतबा हजरतुल विदा के मौके पर सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कहा था कि क्या तुम तक मैंने मुकम्मल दीन नहीं पहुंचा दिया, तो सबने एक साथ होकर जवाब दिया कि पहुंचा दिया। आपने कहा कि मैं तुम्हें हर कोई अहकाम खोल खोल के नहीं बता दिया, तो सबने जवाब दिया कि बिल्कुल पहुंचा दिया। तो आप अगर वो ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रसालत और अपनी नबूवत का पूरा हक अदा नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तो पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद जो 1400 साल बाद हम तक जो उसकी इंटरप्रिटेशन पहुंची है ना, ठीक है, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है ऐसे पढ़नी है, लेकिन आज इस्लाम में डिफरेंट तरीकों से नमाज भी पढ़ी कैसे जाती पढ़नी है, है, कैसे ठीक पढ़नी है ना, है, कैसे इवन 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 कुरान ने भी कहा है नमाज पढ़नी, पढ़नी है? इवन कुरान ने भी कहा है कि नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है वो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ठीक है। कैसे बताया? उसके बाद रसूल सल्लम ने जो बताया वही मैं बताने लगा हूँ, उसके बाद जो रसूल सल्लम ने जो बताया जो उसकी इंटरप्रिटेशन कुरान की जो हमें बताई वो आज जो हम तक पहुंची है आफ्टर 1400 ईयर्स, वो बताने वाले जो लोग थे उनके आइडियाज भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं, और ये नेचुरल सी बात है, ये होता है, ठीक है, इंसानी दिमाग उस अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। फिर तो वो आज जो मैसेज हमें मिल रहा है, जो चीजें हमें बताई जा रही हैं, उसके लिए उसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते हम। हाँ ये अलबत्ता कह यानी कि सकते हैं आप ये कुछ कुछ कहना चाह रहे बेसिक हैं कि चीजें हैं जो कि आप ये सेम कहना हैं। चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अहदीस में जो चीज़ हमें मुतवातर सही अथसनात के साथ मिली और फिर उम्मत ने उसको अख्तियार किया, उस पर चल रही है, आप ये कह रहे हैं कि वो करप्टेड है? तो ऑफ कोर्स करप्टेड हैं, इवन हदीसें भी गढ़ी गई हैं, मैं तो ये कहता हूँ हमें उसका जो ये बात एक्सेप्शन हर है फिर क्या ना, कहता है, काफी सारी हाँ हदीसें हैं जो कि गढ़ी गई हैं, नहीं, ठीक फिर उन है, वो हदीसों की आपकी बात इंटरप्रिटेशन सही भी है, गढ़ी गई है। आपकी बात सही है, लेकिन अगर जो घड़ी गई हदीस है उनका भी तो सेक्शन अलग बनाया गया है ना कि ये ज़ईफ़ है, मौजू है, हसन है, कौली है, वो फैली है, किसने सब बनाया, आम कुछ बताए गए हैं ना, वो भी हमने हम तक हमने जो बनाया। पहुंचा है, जो हम तक पहुंचा है उसकी ऑथेंटिसिटी तो वो नहीं है ना। 1400 साल बाद आप कैसे कह सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट जो 1400 साल पहले आया, कुरान की बात नहीं कर रहा मैं, हदीस की बात कर रहा हूँ, कुरान पे नऊज बिल्ला सब मुसलमानों का अकीदा है कि उसमें कोई चीज घड़ी नहीं गई है, ठीक है, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, उस हदीस की फिर जो ठीक हदीसें है, हैं तो अगर 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 आप ये कहते हैं कि हदीसों में कहीं पर करप्शन आ गई है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, अगर वो मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, तो कुरान तो बिल्कुल भी नहीं ना चेंज हुआ, वो तो सही हालत में मौजूद है, आप इस चीज को मानते हैं? ठीक ऑफ कोर्स सारे मुस्लिम मानते, अगर वो नहीं मानते तो वो मुसलमान ही नहीं है ना जो कुरान को नहीं मानता है।
यही होगा कि जब कुरान ही कहता है कि रुकू करो, हज करो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, तो आज के इस्माइलियों की जो तरीका है उसका कोई भी तरीका कुरान से नहीं मैच होता। नहीं, कुरान अगर कहता या है, फिर यहाँ पर एक कमेंट आया है अनाया अली का। अनाया अली, मैं आपको कंटिन्यूस लिंक्स दे रही हूँ, आप जरा उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप भी अली भाई की तरह जो है वो कॉल पे आ सकती हैं, फिर मैं आपका सवाल सुन भी सकती हूँ। बाकी लोग भी यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। एक सेकंड, ये कौन है? मीर जमान गजरी। लानत करने का क्या मकसद? मैं अली भाई आपसे कोई बुरी बात कर रही हूँ क्या? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप तो बड़े तमीज से बात कर रही हैं, बिल्कुल ही मेरी बहन हैं तो आप। यहाँ पर मीर जमान गजरी साहब हैं, वो कहते हैं लानत हो तुम पर ऐसी बात करती हो, तेरे खानदान पर हजार पर लानत। मुझे बहन समझ ऐसी नहीं आया। बातों को दिल नहीं पे ना लिया करें, बहन ऐसी नहीं बातों को दिल पे ना दिल पे लें। बात नहीं है। आप जिस काम के पीछे इस वक्त जो काम कर रही हैं ना, उसमें इस तरह की बातें बहुत सी आएंगी। इवन बहुत हाँ एक्सट्रीमिज्म तक लोग बढ़ जाते हैं। इवन मैं अभी क्या कहूँ, फोन पे नहीं नहीं बिल्कुल बहुत सही आगे बात तक है। निकल मैं जाते हैं। आदि हूँ मेरे आपको भाई। बड़ा दिल करना चाहिए, आपका जर्फ बड़ा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं तो आदी हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए कि जरा यहाँ पर जो लोग अगर सुन रहे, क्योंकि अप्रोक्स हमें 35 और अब 36 लोग हो गए वो हमें सुन रहे हैं, तो मैं जरा उन तक, क्योंकि वो कमेंट साथ साथ रीड नहीं कर पा रहे तो मुझे जवाब चाहिए था। हम टॉपिक पर वापस आते हैं। अली भाई, जो इस ब्रॉडकास्ट का जो टॉपिक था वो ये है कि क्या हाजर इमाम शरीयत को बदल सकते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले तो शरीयत की डेफिनेशन होनी चाहिए ना। शरीयत जो हम तक पहुंची है, क्या ये वही शरीयत है? 1400 साल में तो कोई चेंजेस नहीं आई है जो हम तक, ठीक है, जिस उस शरीयत, पहले तो ये, फिर उस शरीयत की जो इंटरप्रिटेशन हमारे इस्लाम के फिरकों में जो चल रही हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। पहले शरीयत की बात है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की बात है। तो वो हम तक उस शक्ल में नहीं पहुंची है, उस तो हम कैसे उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो हम तक क्यों नहीं पहुंची है, क्योंकि बीच में जो आम लोग, आम इंसानों का जो दिमाग उसमें लगा है, वो इंसान का दिमाग जो है वो एक खुदगर्ज दिमाग होता है। वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जो है ना वो कुछ असाइनमेंट्स कह सकते हैं जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम तक नहीं पहुंची है। अली भाई, अभी आपने ये एक चीज बोल दी है कि हदीस पर आपका मुकम्मल एतकाद नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से वो करप्ट हो चुकी है, आपने अपने स्टार्टिंग की डिस्कशन में मेरे कह हिसाब दिया, से नहीं बहन मेरी, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने कहा क्योंकि ये ये तमाम फिरकों में इजमालिया। ऐसा है, ये इस्लाम के नहीं तमाम नहीं फिरके सारी हदीसों को नहीं मानते, आपको भी पता है इस बात का। सही हदीस की बात हो रही है। जब आप सही हदीस की बात करते हैं तो वो सही होती है तो उसको लिया जाता है। उसको सही ज़ईफ़ हदीस किसने कहा है? हमने बनाया है ना, आम इंसानों ने बनाया है ना कैसे उसको। बना? अगर अगर उसकी चेन चलती आती है कि फला ने चेन फला से काला काला करके जो है वो एक सनद चलती है कि इसने इससे सुनी, इसने इससे सुनी, और फिर उसको जमा करने वाले ने ये कई जगह पर उसकी सनद को ऑथेंटिक कहा, और इसी वजह से आप इस्माइली उसी सनदों को लेते हुए बुखारी शरीफ और तिरमिजी की हदीस को, जो मन कुंतुम मौला फहाजा अली मौला को आप सही मानते हो, अगर आप सही हदीस में भी ये बात लाओगे कि मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, तो फिर इस्माइली इमामत ढेर हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि इमामत खड़ी ही हदीस पर है, क्योंकि वही हदीस है जिसको इस्माइली कोट करते हैं, क्योंकि कुरान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। कुरान में मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत का जिक्र नहीं है, तो हदीस ही बुनियाद है इस्माइली इमामत की। तो जब इमामत ही खड़ी हदीस पर है और आप कहते हैं कि हदीस ही जो है वो करप्टेड हो गई है, तो फिर तो इस्माइली इमामत ढेर हो गई ना। नहीं, ये सिर्फ इस्माइलिज्म का मसला नहीं है बहन मेरी, ये तमाम फिरकों का ये मसला है। तमाम फिरके तमाम हदीसों को भी मेरे नहीं भाई, मानते अभी हैं। अभी जो डिस्कशन हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि हाजिर इमाम ने शरीयत को बदला है या नहीं कौन सी बदला। शरीयत को बदला है? शरीयत की पहले डेफिनेशन होनी चाहिए ना। जो शरीयत हम तक पहुंची है, ये कौन सी शरीयत थी, कौन लाया ये? हाँ, आम इंसान ही थे ना जो जो आम हम तक इंसान था जिन्होंने जी, पहुंचाई। आम तो इंसानों की जो बात कर रहा जो हूं मैं, उसकी जो बात नहीं कर रहा जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज भी हैं जिनको हम ऑथेंटिक सोर्सेज मानते हैं, वो मुख्तलिफ हैं। आम तो इंसानों ने, इवन मुझे आजकल के दौर के जो आम इंसान हैं, आप जैसे और मेरे जैसे गुनहगार लोग, उन्होंने उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन जो की है, ये वो नहीं है।
इसको सिर्फ वही ऑथेंटिक बना सकता है जो कि ऑथेंटिक है। कौन है उसकी फिर ऑथेंटिक एक, उसकी फिर अलग डिस्कशन हो जाती है। हमारे अकीदे के कौन है ऑथेंटिक? मुताबिक, अब मैं आपको बताऊं, कुरान हदीस और ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ये एक फॉर एग्जांपल फैमिली है अहले बैत, उसका डॉक्यूमेंट है, उसकी डेफिनेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपका घर है, आपके उसके पास डॉक्यूमेंट है, बाहर का बंदा आके कोई पूछता है आपसे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये मसला है, ये मसला है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, आप कहेंगे आप बोलने वाले हैं कौन? कुरान और हदीस और शरीयत जो है वो अहले बैत की जागीर है, रसूल की जागीर है, उसको उस घराने के लोग ही जागीर डिफाइन कर सकते है। हैं। सुन सुन सुन, अगर आप ये कहते हैं कि शरीयत जो है और अल्लाह का जो कानून है वो किसी की जागीर है, तो आपको ये पे बात साबित करनी होगी। जागीर का मतलब ये होता है कि मैं जागीर जैसा से मुराद मर्जी। ये है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इस्लाम है, लेट मी फिनिश। मैंने ये कहा कि जब आप जागीर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उनके पास तमाम राइट्स होते हैं, उसको जैसा मर्जी वो चेंज कर सकें, बदल सकें, दे सकें। जागीर है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या अल्लाह का कानून जो है वो किसी, मैं अहले बैत की बात नहीं करी, मैं नबी की बात नहीं करी, मैं ऑन द होल बात करी, अल्लाह के अलावा किसी को भी ये हक है कि वो अल्लाह के कानून को बदल सके अपनी अहले बैत को हक जागीर है के? ना, अहले बैत को हक है ना बहन मेरी, तो फिर ये आपको क्योंकि साबित करना पड़ेगा। हाँ, अब वो मैं उसकी सिंपल, मैंने आपसे हमारी डिस्कशन के बिगिनिंग में कहा था, मैं एक रूट लेवल का इस्माइली हूँ, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, आम इंसान हूँ मैं, यहाँ पर नॉलेज हासिल करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अहले बैत है, जो हमें बताया गया है, जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक, जो अहले बैत है, ठीक है, वो उस कानून में इस तरह तब्दीली ला सकते हैं कि उनको इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ठीक है, उसकी फिर एक अलग डिस्कशन है, कैसे दिया है, क्यों दिया है, कहाँ लिखा है, वो एक अलग आपको डिस्कशन आपको फिर बताना पड़ेगा कि है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अख्तियार कब दिया कि आप अल्लाह के कानून में या अल्लाह की शरीयत जो अल्लाह मुझ पर वही करते हैं उसको तुम आगे जाके बदल सकते हो, क्योंकि हवाई बातें तो नहीं ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दीजिए जैसे मुझे बताया गया कि पहले वजू का कानून था ना, उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज किया, हालात वक्त वाकयात के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप तमम्मम कर सकते हैं, मिट्टी से वो वजू कुरान कर से सकते साबित है, कुरान हैं। नहीं, ये जो है ना, से ये साबित है नहीं, ये आपको नहीं पता कि मिट्टी से जो है ना वजू हो सकता है? जी, उसको तयम्मुम कहते हैं और वो कुरान से ही साबित है। अब नबी ने खुद से नहीं कहा कि पानी छोड़ के अब मिट्टी से वजू करो, वो कुरान से ही मिला है ना। नहीं, लेकिन मतलब काफी ये सारी चीजें ऐसी हैं इस्लाम में जो रसूल ने चेंजेस की थी उस जमाने में, वक्त तो अच्छा, हालात के मुताबिक, ठीक है ना, क्या उसको तो क्या सब मानते आप हैं, आप भी जो है ना वो भी इस बात को समझ लें कि रसूल ने कोई चेंजेस नहीं की, ऐसा नहीं कह सकते, उन्होंने वक्त तो हालात के मुताबिक चेंजेस की थी, चेंजेस बाद किए में हैं? जाके वो अगर शरीयत बनी। अच्छा, मेरे पास तो सबूत है कि चेंजेस नहीं कर सकते। आपके पास सबूत है कि अल्लाह ने कहा हो कि नबी चाहे तो कुछ भी मेरे अहकामात में से बदल सकते हैं मेरे हुक्म के बिना? इवन अल्लाह ने खुद कुरान को बदला है, काफी सारी आयतें आ गई फिर उसको अल्लाह तो मंसूख मालिक किया, है ठीक ना, अल्लाह है ना। तो मालिक चेंजेस, है, मैं अल्लाह चेंज ने की बात कर रहा हूँ, वो तो मैं भी मानता हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ चेंज की, चेंज तो अल्लाह ने खुद भी की है, कुरान में की है, ठीक है ना, काफी सारी आयतें आ गई फिर मंसूख हो गई, ठीक बात है ना। सुनिए, मेरा सवाल अल्लाह पे नहीं है। अल्लाह के अलावा क्या कोई नबी, वली, इमाम अल्लाह के कानून को बदल सकता है? सवाल ये है। नहीं, मैं अभी आपको यही कह रहा हूँ कि क्या आपको पता नहीं है कि रसूल ने वक्त तो हालात के मुताबिक काफी सारी चीजें चेंज की थी, क्या ये वही था जो नहीं रसूल की को थी पैगाम जो लाए थे, उस नहीं की वाकया थी को हालात के मुताबिक कोई नहीं चेंज की नहीं हुई थी थी उस जमाने में भी, नहीं की 1400 थी साल पहले भी? नहीं की थी नहीं की थी अच्छा, फिर ठीक है, मैं फिर साबित साबित कर दूं मैं आपको। ठीक है। सूरह यूनस की आयत है, क्योंकि जब एक चीज अगर हदीस में है और अगर वो कुरान से टकराती है तो वो हदीस जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हदीस की सही ऑथेंटिसिटी ही उससे मिलती है कि अगर कुरान उसे बैक करे। अगर कुरान बैक करता है किसी हदीस को तो वो भी ऑथेंटिक है, और अगर हदीस जो है वो कुरान की किसी बात को ऑथेंटिकेट करती है तो ये आपस में कभी भी ये कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हदीस है और कुरान कुछ और कह रहा है तो वो कॉन्ट्रेडिक्शन हो जाएगी। नबी कभी भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, ये आप बात मानते हो? अल्लाह हुक्म करता है
तो ही नबी वो शरीयत लाते हैं, खुद से कुछ नहीं लाते। ये बात मानते हैं आप? सही बात है। हाँ ठीक है। सूरह यूनस की आयत है, अल्लाह पाक साफ हुक्म फरमा रहे अपने नबी को कि ए पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली करूं। मैं तो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि उसी की वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। अगर कभी मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठूं तो मुझे इस जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। सूरह यूनस आयत 15। अब बोलिए। सही बात है। ठीक है। तो इससे तो कुरान कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना। आप हदीस में आप कह रहे हो कि कहीं करप्शन आ गई है, चलो फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मान भी लेते हैं, लेकिन जब अल्लाह कहता है कि आप नबी ये ऐलान कर दो कि मैं खुद से कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करता हूँ मैं नबी के अल्लाह की जो है वो वही से करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब भी शरीयत या कानून बदला जाएगा वो अल्लाह के हुक्म से ही बदला जाएगा। सही बात तो अब ये बताइएगा कि अगर आज के दौर में जो शरीयत हाजिर इमाम लेकर आए हैं, क्या वो वही के बुनियाद पर बदली जाती है या उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है? वो इंटरप्रिटेशन को आप कह सकते हैं, वो तो आप भी करती हैं, मैं भी करता हूं, हम लोग करते हैं, तो वो भी अपनी हम क्या करते इंटरप्रिटेशन हैं? करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते वो भी। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह चेंजेस सकता नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, लेकिन वो चेंजेस नहीं होती हैं, लेकिन वो उनकी इंटरप्रिटेशन होती है मतलब वो मैं कह रहा था जैसे आपको कि वो डॉक्यूमेंट वो जो है कुरान वदीज उनके घर में उतरा था, अहले बैत के घर में, तो वो उस चीज को बेहतर जानते हैं, और जो अकीदा है मैं वो बता रहा हूँ, मैं उसका मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो वो खुद अहले बैत के घराने से हैं, वो फिर एक और डिस्कशन है कि हैं कि नहीं, आप मानेंगी या नहीं मानेंगी, वो आपका एक अपना अकीदा है। तो मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि एज अ फैमिली मेंबर ऑफ अहले बैत उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो एक ऑथेंटिक मानी जाती है हमारे अकीदे में, एक सेकंड बाकी रुकिएगा। जो है। सुनील अहमद हुंजाई साहब कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग है, लाइव नहीं है। तो सुनील भाई, अगर मैं आपका कमेंट अभी पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये लाइव चल रहा है। मैं आपको लिंक दे रही हूँ, अगर आप आना चाहें कॉल पे तो आ जाइएगा, रिकॉर्डेड नहीं है मेरे भाई। जी कंटिन्यू कीजिएगा अली भाई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एज अ मेंबर ऑफ अहले बैत, क्यों वो उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना, उन्होंने कुरान हदीस को चेंज नहीं किया, उसकी जो इंटरप्रिटेशन जब हम अपने इंसानी मतलब परस्त दिमाग के तहत उसको चेंज करके आवाम के सामने ला सकते हैं, तो वो एज अ अहले बैत अपनी इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं दे सकते, और उसकी ऑथेंटिसिटी हमारे ख्याल से ज्यादा होगी जब सब अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो उनको भी हक है एज अ फैमिली मेंबर ऑफ अहले बैत कि वो भी अपनी इंटरप्रिटेशन दें, तो वो अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं उस चीज की। हेलो, सॉरी, आवाज आ मैं, रही है? हाँ मैं कॉल से हो गई थी, सॉरी। हाँ जी बोलिए बोलिए। तो इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, यू नो, तो इंटरप्रिटेशन अच्छा, तो बहुत तो हो सकती है, बहुत सारे उलमा की इंटरप्रिटेशन आती हैं, अली भाई, तो और इसमें बहुत ये सारे। आप कह रहे हैं कि जब कुरान की कोई बात होती है तो वो इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हैं लेकिन वो हुक्म नहीं बदल सकते ना? हाँ, हुक्म नहीं बदल सकते, वो आपको ऐसा लगता है कि हुक्म बदला गया है, लेकिन वो एक इंटरप्रिटेशन होती है, तशरीह होती है शरीयत की, हदीस की, आज के दौर के मुताबिक हम मानते हैं कि वो अहले बैत के घराने से हैं, उनको अथॉरिटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थी कि आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें, जैसे बहुत सारे लोगों ने की, आज के उलमा भी अच्छा, करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो एक मिसाल दे रही हूँ कि सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में, 238 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नमाजों की हिफाजत करो। अब आप नमाज को तो दुआ समझते हो ना, आपका आपकी तो इस्माइली दुआ ही आपकी नमाज होती है। अब उसमें आगे दुआ आती है कि नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, उसमें आप अपनी दुआ बोल सकते हो, ठीक है। अब जहाँ पर बात आती है कि अल्लाह ताला के लिए बादब खड़े रहा करो, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि नमाजों में जब आप बैठ के अपनी दुआ पढ़ते हो तो इसमें आप बादब खड़े तो नहीं होते नहीं, खड़े भी होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं, आपसे किसने कहा इस्माइली दुआ खड़े नहीं? में? मैं एक जी स्माइली बिल्कुल रह खड़े, चुकी हूँ, जी मैं एक बिल्कुल स्माइली, खड़े भी होते मैं एक हैं, स्माइली हर हूँ।
आप इस्माइली हैं शायद आपको पता नहीं है, आपका एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ खड़े होके भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा खड़े होके ही होती है, खड़े होके भी होती है, ठीक है ना। इवन मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ पर भी मुख्तलिफ एक कल्चर है, डिफरेंट मतलब यहाँ के हालात के मुताबिक, लेकिन खड़े होके भी होती है। और सारी नमाज में तो आप भी खड़े नहीं होते, बैठते भी हैं, रुकू भी होता है, सजूद भी होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। फिर उसकी जो है ना, आप अगर आप आप जाएं रुकू की इस्लाम बात के करते हैं, अगर डिटेल, आप रुकू आप की बात डिटेल, करते हैं तो इस्माइली दुआ में रुकू नहीं होता। सारी नमाज में तो रुकू भी नहीं होता ना, आप क्या सारी नमाज में रुकू में ही रहते हैं? नहीं रहते ना। रुकू के बगैर नमाज नहीं जो होती है। अच्छा जो नमाज है उसका तरीका भी हम तक जो पहुंचा है, ठीक है ना, उसमें भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है ना, मुख्तलिफ फिरकों में कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है, कोई हाथ खोल के पढ़ रहा है, कोई ऊपर हाथ रखता है, कोई नीचे हाथ रखता है, ये सारी चीजें क्या हैं? वो तमाम चीजें सुन्नत से साबित है। वो कौन सी सुन्नत है, वो कौन लाया, वो तो एक डिबेट है ना। तो फिर फिर इसी तरह मुख्तलिफ फिरके हैं ना, मुख्तलिफ, डिबेट तो फिर इसी तरह हो जाएगी कि जिस चीज को आप सही नहीं मान रहे, इस तरह तो फिर आप मन कुंतु मौला फ़हाज़ल अली मौला वाली भी हदीस को नहीं माने, फिर आप जो है वो हदीसे किरतास को भी नहीं माने, फिर नहीं आप मानते जो ना, है बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बस वो अपने तरीके पर हैं, वो नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते, सारे इस्लामी फिरके उस हदीस को नहीं मानते, और जो हम मानते भी हैं उस वो अपनी इंटरप्रिटेशन लाते हैं उसमें, उस हदीस की अपनी इंटरप्रिटेशन ले आते हैं। तो तो अगर जहां हमने भी अल्लाह अपनी पाक इंटरप्रिटेशन दे फरमाते दी तो उसमें क्या हैं, हो गया? जहां अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ये बाजमात नमाज का हुक्म है, तो आप रुकू कहाँ करते हो? ये जो अल्लाह का हुक्म है, मैं आपको यही कह रहा हूं कि सारी नमाज तो सारे लोगों की एक जैसी भी नहीं है, काफी चीजें मुख्तलिफ है। आप तो सिर्फ रुकू की बात कर रही हैं ना, बहुत रुकू सारी चीजें ऐसी हैं, हाथ कोई भी बांध नहीं छोड़ता, खोलना, रुकू हाथ कोई भी नहीं छोड़, इस खोलना, खाली वाहिद इस्माइली जमात ऐसी है जो रुकू नहीं करती, बाकी तमाम जितने भी मकतबाए नहीं, मैं फिक्र आपसे यही हैं। कहना चाह रहा हूं उस नमाज के तरीके की जो इंटरप्रिटेशन जो है वो इस्माइलियों की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, एक तशरी अली उन्होंने भाई उस चीज की अगर की है। अली भाई अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे कि एक किताब आपको, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं फॉर एग्जांपल बात उन पे ही करती हूँ कि जैसे अल्लाह ने एक किताब उन पे नाजिल की, उन्होंने उसी किताब को इंटरप्रेट करके दिखाया, फिर उसके बाद उसको अमल भी करके दिखाया, उसके बाद उसकी गवाही भी ली खुतबा हजरत अलवदा पे कि अब बताओ मैं तुम्हें खोल खोल के तमाम चीजें बता नहीं दी। तो जब एक चीज शरीयत और तरीकत सब चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बता दिया और उसकी तो सही फिर आज तशरीह भी उलमा न, की क्या जरूरत है, फिर आज हम उलमा के पास क्यों जाते हैं? जब रसूल ने सारी चीजें बता दी हमें, जो जो थी वो सारी चीजें अगर बता दी, तो वो जो आज जो उलमा बने हुए हैं जस्ट फॉर द नेम सेक, या जो भी आप कह सकते हैं जिनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, हम उनके पास क्यों जाते हैं कि हमें तशरी करके बताएं इस चीज की? तो एक तशरी अगर अहले बैत के घराने से भी किसी ने कर ली तो क्या एतराज हो सकता है? आप वो तशरी का जो उनका अमल है, हाजिर इमाम ने जब जो तशरी की होगी उसका अमल भी तो करके दिखाया होगा ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, अमल मुख्तलिफ है ना, कितनी सारी तशरी है मैं इस्लाम की, हर तशरी का एक अलग अमल है ना। आप सवाल को समझिएगा, मैंने ये पूछा कि जब नई शरीयत आती है तो उसका तरीका भी वही बताता है ना जिस पे आती है शरीयत, जिसको नहीं, बताई उन्होंने जाती है तो कि अब बता एक, दी, उन्होंने तो 1400 साल पहले बता दी, लेकिन 1400 साल ठीक में है जो ये बीच में जो चक्करबाजियां चल रही थी, या सॉरी फॉर दिस वर्ड, तो ये अपनी इंटरप्रिटेशन मिला रहे अली थे भाई, आम लोग। अली भाई शरीयत उस वक्त आई, उसको तरीका दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ओके। आज जो एक नई शरीयत और एक नया तरीका इस्माइली मजहब में राइज है, वो जो है वो हाजिर इमाम ने किस तरह अमल करके दिखाया, मेरा सवाल तो ये मैं है। भी आपको यही बता रहा हूँ कि वो तरीका जो तशरी है वो इस्माइलियों की, आ खान की तरफ से एक अपनी तशरी है, जिस तरह दूसरे फिरकों की तशरी है तो वो जनाब भी उनकी एक आपने तशरी है। आपने देखा होगा ना हाजिर इमाम को उस तशरी पर खुद भी अमल करते देखा होगा, फिर आप वही बात कर रही हैं, आप किसी के मतलब जाती ख्याल पे क्यों जा रही हैं? मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, आप जातियात की बात कर रही हैं, फिर आप जनरल जनरल कैसे हो सकता है? जब एक इमाम, एक अब जमात 20 मिलियन जमात का जो है वो इमाम है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम, उस वक्त के इमाम बनाकर भेजे गए और रसूल थे वो, उन्होंने तमाम तालीमात को करके बताया समझाया, और उसी चीज को तो गाइड कहा जाता है ना, उसी को तो इमामत कहा जाता है।
तो जब हाजिर इमाम इस दौर के इमाम है, तो उनकी गाइडेंस में आपने क्या सीखा है उनसे, वो किस तरह का अमल करते हैं? मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर जितनी भी तशरीहात हैं जो उलमा ने की हैं कुरान और हदीस और सुन्नत से, उसका जो अमल है वो एक जैसा नहीं है बहन मेरी। वो जो है मुख्तलिफ अमल के जरिए उस तशरीहात को जाहिर करते हैं, उसमें से एक अमल इनका भी है जिसको हम ऑथेंटिक समझते हैं अहले बैत के घराने कौन से सा हम लोग। अमल है? नहीं, मुझे आप ठीक है, बताइएगा ना नहीं कि हाजर इमाम का मैं अमल इसलिए कौन नहीं सा पढ़ना है? चाह रहा कि वो बहुत सारे अमल है ना। अभी मैं आपसे पूछूं कि फला फला जो है वो मौलाना साहब फला तशरी करते हैं और उस पर इस तरह अमल करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ अगर तशरीहात आ जाती हैं, तो एक तशरी जहाँ इनकी भी आ बात ये हो रही गई है है। कि जब एक शरीयत आपके हाजर इमाम ने कुछ तरीका बदला है, हेलो 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 अली भाई शायद चले गए हैं, मेरा इंटरनेट बहुत ख़राब चल रहा था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। अली भाई अगर वापस कॉल पे आ सकते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा आखिर में उनसे सवाल यही था कि जब नया तरीका आया है, नई शरीयत आई है, तो हाजिर इमाम उस पर क्या अमल करते हैं, मुझे वो जानना था उनसे, क्योंकि वो उनके गाइड हैं और अपने गाइड के बारे में मुरीद ही ज़्यादा अच्छा तरीके से बता सकता है। लिंक चल रहा है, आप लोग भी कॉल पर आ सकते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट है, किसी को शक है क्योंकि किसी ने लिखा है कि ये लाइव नहीं है। अली भाई वापस आ चुके हैं, अली भाई अपना अनम्यूट कीजिएगा माइक। SM शाह भाई आप कह रहे हैं कि हम दोनों को कुछ भी नहीं पता, तो आपको पता है मेरे भाई, आप आ जाइए प्लीज कॉल पे। अली भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से तहमुल के साथ मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। SM शाह साहब, अली भाई वो अकॉर्डिंग उनके आपको कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नहीं, कोई आप फर्क नहीं माशाल्लाह पड़ता, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी की, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है उसमें। आपको एक्सट्रीमिस्ट से लेकर जो है ना वो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन तक हर तरह के लोग मिलेंगे। गालियां देने वाले भी मिलेंगे आपको, नॉलेजेबल भी बिल्कुल मिलेंगे, और आपको बदतमीज लोग भी मिलेंगे, और इतने हद तक भी बुरे लोग मिलेंगे कि वो मारना मरना मरना भी उनके लिए कोई आम बात नहीं होती। ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में, हैं, हम खुद उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हमें पता है। तो हर तरह के लोग मिलेंगे, सबको अल्लाह खुश बिल्कुल, रखे। लेकिन अली भाई मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक, माजरत के साथ। नहीं, जवाब इस तरह है कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन जो हमारी है जो इस्माइलीज की है, तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन है, जहां पर इतनी सारी इंटरप्रिटेशन इस्लाम में चल रही हैं, तो एक उनकी भी है। तो ठीक है अली अब आप अली भाई, उसको, मेरा सवाल वही वही रहेगा कि जब नई इंटरप्रिटेशन होती है, नया तरीका होता है, नया
कुछ भी चेंज होता है तो इमाम खुद करके बताते हैं कि अब तुमने ये करना है और इस तरह से करना है। तो वो आपके इमाम का जो अमल है, मैं वो जानना चाह रही थी कि वो किस तरह, मतलब मेन स्ट्रीम जो उम्मत है उनकी तरह नमाज पढ़ते हैं या इस्माइली दुआ मेन पढ़ते स्ट्रीम हैं। से आपका क्या मुराद है? मेन स्ट्रीम तो कोई है ही नहीं ना, बहुत सारी चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं इस्लाम में, कोई मेन स्ट्रीम नहीं होता, डिफरेंट वो इंटरप्रिटेशन अभी पे जो डिफरेंट जो जिसको है ना हम वो अमल चल अभी रहा हम है। जो मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं ना, वो हम कहते हैं जो अभी अभी जो मेन इजमा चल रहा है कि हम एक ही तरीके से जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, हम नहीं लोग होता रोजे एक रखते तरीके हैं। से बहन मेरी, एक तरीके से नहीं है इस्लाम, एक तरीके से नहीं, आप ये नहीं समझ रही है ना। आप अलग तरीके से बताइएगा, अलग आप जो कैसे? है ना वो, आप प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप इल्जाम प्लूरलिज्म से लगा मुराद रहे ये हैं। है कि मुख्तलिफ चीजें हैं, उसमें उन्होंने कल्चर को भी मिक्स कर दिया है, काफी सारे कल्चर ऐसे आ गए हैं जो रिलीजन के साथ उन्होंने इस्लाम इंटेग्रेट कर इस्लाम दिए पर हैं। कल्चरल इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये अल्लाह ने उस चीज पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि अगर इस दौर में मैं लोग इंटरप्रिटेशन ये की बात कर रहा हूँ, मैं बात इस्लाम की है ना, बात नहीं कर रहा, मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। जो इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशंस की का गई भी हैं हक जो है वो उस पे कल्चर का इफेक्ट आ गया है, जिस वजह से मिक्सअप हो गया है सारा। नहीं आना चाहिए ना, नहीं आपने आना सिर्फ चाहिए, इस्माइलीज को नहीं पॉइंट आना आउट किया चाहिए। है क्योंकि उनके पास इमाम मौजूद है, उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होगी क्योंकि वो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो ऑथेंटिक हैं, तो वो जाहिर सी ऑथेंटिक, बात आप मुख्तलिफ होगी ना। वो ऑथेंटिक इस आप तरह बोल हो रहे गया हो, कि वो इस तरह हो गया ऑथेंटिक आप कि बोल रहे हो। बात सुनिए सॉरी भाई, आप सिर्फ एक चीज को समझें, मेरे सवाल को समझें। कोई भी नई बुक आएगी, फॉर एग्जाम्पल एक कोई नई बुक आती है कॉलेज में, वो उसका प्रोफेसर आके बताता है, समझाता है, ठीक है, वो हो सकता है तो प्रैक्टिकल भी करवाता है। अब एक इस्लाम जब आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, खुद करके बताया, अब एक नया तरीका आ गया है। मैं एक नाइव पर्सन समझे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अगर सीखना चाहूँ और मैं सीखना भी आपके इमाम से चाहूँ, तो उनका कौन सा अमल मैं देखूंगी जिसको मैं फॉलो करूँ? जो अमल आप देख रही हैं उसी को फॉलो मैंने करेंगी, क्योंकि आपने क्योंकि क्या देखा, मतलब आपने बहुत हाजर सारी इमाम को, तशरीहात के बहुत सारे अमल आपको इस्लाम में नजर आएंगे। आप जनाब अपनी मर्जी मैं की तशरीह इस्लाम की, निकाल के उसका अमल करेंगी, वो आपका अमल होगा, उसको जो लोग फॉलो करेंगे वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। हमने इनके अमल को, इनकी इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया, इस तरह इस्लाम के अंदर कोई अली हजारों जो है भाई, ना इंटरप्रिटेशन हैं। मेरे भाई, अली भाई, टॉपिक क्या हाजिर इमाम शरीयत को बदल सकते हैं? आपने कहा बदल सकते हैं, मैंने आपको कुरान से प्रूव किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बदल सकते। इट्स ओके, आपकी अपनी है, आप मैंने माने नहीं ना कहा कि माने। वो शरीयत को बदल सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा शरीयत की जो इंटरप्रिटेशन है उसको बदल सकते हैं। वो तो हर तो कोई अपनी जिस पर इंटरप्रिटेशन ले रहा है शरीयत से, शरीयत की अपनी अपनी डेफिनेशन है, हर इस्लाम के फिरके के अंदर फिरके बने हुए हैं, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन आपको मिलेंगी। मैंने नहीं कहा कि शरीयत को बदला उन्होंने, उसकी इंटरप्रिटेशन को बदला। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि उसको समझाने वाला, ठीक है, यही होता है ना इंटरप्रिटेशन, कि कोई बात समझा हुई है समझाने वाला। जिस तरह अल्लाह ने एक हुक्म दिया, उसको उसको इंटरप्रिटेट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, उसको अमल करके दिखाया, प्रैक्टिकल हो गया, पहले वो तो समझाया, जमाने की बात है ना, उसके ठीक बाद क्या है, हुआ है वो सारा मसला उसके, चल रहा है ना। हाँ उसके उसके बाद अब मैं बाद ये इतने पूछना चेंजेस चाह रही लेकर आए हूँ। ना लोग, उसके बाद आम लोगों ने उसमें चेंजेस लाया है, बनिस्बत फॉलो करने के, राइट पर्सन को फॉलो करने के, जिनको नबी ने अपने जमाने में ही हिज्जत अलविदा की जो बात करी उसी खुतबे में ही जो है ना, ये गदीरे खुम पे जो कहा था, वो अथॉरिटी इमाम को दी थी कि वो अच्छा, इंटरप्रेट करे इन चीजों को। हम तो आम हजरत लोग अली ने, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? सो इट्स मीन दैट हजरत अली, मौला अली अलैहिस्सलाम को जब इमामत मिली तो उन्होंने भी कुछ चेंज किया होगा इस्लाम में, मैं आपसे कह रहा हूँ चेंज कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन बता सकते तो फिर हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इस्माइली तालीमात की कोई एक चीज भी आप कुरान से मुझे बता दें, तो क्या आप मुझे नांदी, मेहमानी, छांटा, अवल, सुफरो, शुक्रवारी, बीज, दीदार, ये सब दिखा सकते हैं कुरान से? मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये इंटरप्रिटेशंस हैं, ये शरीयत नहीं है, ये उस शरीयत की इंटरप्रिटेशन है, उस पे अमल जब हो रहा है। इसी तरह आप कुरान से जो है ना वो दिखा दें, फॉर एग्जांपल मैं बेस बरा बेस नहीं कर रहा हूँ, आप जाती उस पे नहीं लीजिएगा इस चीज को। वो जो रोजों के रमजान में जो नमाज पढ़ते हैं, कौन सी नमाज होती है वो जो रात को तरावी, पढ़ते हैं, क्या कहते तरावी, हैं, तरावी, तरावी, ठीक है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा इस चीजों की। इट्स ओके, तो वो जो तरावी है वो भी कुरान से साबित नहीं है, मैं बैस बरा बैस नहीं कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें हैं जो कुरान से नहीं है, उसकी उसकी फिर इंटरप्रिटेशंस मिलती हैं कि वो ये नहीं है वो ये है।
काफी सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, काफी सारे पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें हैं उसमें। तरावी का जिक्र नहीं है कुरान में। तरावी का अगर आप जिक्र देखोगे तो कुरान में मौजूद है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल करके दिखाया वो तमाम उम्मत तक पहुंचा दिया। अमल करके दिखाया, जहाँ लेकिन कुरान में नहीं है। जहाँ आप जहाँ जहाँ देखो, कुरान में अगर नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से तो कोई चीज़ कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी कुरान से साबित किया कि नबी ने साफ कह दिया कि मैं खुद से कोई चीज़ नहीं कर सकता जब तक मेरे अल्लाह की वही ना हो मुझ पर, और अगर मैं कुछ बदलूं तो मैं एक दर्दनाक दिन का अजाब देखूंगा। ये मैंने आपको आयत बताई। तो बदल तो कोई सकता भी नहीं है ना, बदल तो तो कोई नहीं इसका सकता है। मतलब मैं आपसे कह रहा नबी हूं का कि इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया है। इंटरप्रिटेशन जो है उसकी बहुत सारी आपको तशरीहात मिलेंगी, बहुत सारे उसके तर्जुमे मिलेंगे। इवन कुरान का जो तर्जुमा हम तक पहुंचा है वो भी सही नहीं पहुंचा है, उसमें भी लोगों ने अच्छा अपनी तरफ से जो है ना चीजें डाली हुई है। वो अरबिक बताइएगा जो लिखी हुई है वो तो बताइएगा ठीक है। बताइएगा, कौन सी चेंजिंग की है कुरान में और किसने की है, जरा कोई मैंने एक नहीं कहा मिसाल कुरान दे। में चेंजेस किए, आप गलत ना कहें। मैंने नहीं कहा कुरान में, मैंने कहा तर्जुमे की चेंजेस हुई हैं। तर्जुमे जब में जो तर्जुमे, तर्जुमा पहुंचा है, अली भाई रुकिएगा, जब तर्जुमे में चेंजेस का मतलब होता है ना, तो ये मतलब होता है कि अगर अल्लाह कहीं कह रहा है कि करो और दूसरे ने तर्जुमे में कर दिया कि नहीं करो, ये हो गया चेंज। मेरा मैनेजर आ गया, मैं थोड़ी देर में आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके वरी भाई, थैंक यू सो मच। हेलो बॉस, हाउ आर यू? जी, अली भाई से डिस्कशन कंप्लीट हो गई है और वो जा चुके हैं। अगर किसी और ने बात करनी तो मेरे पास 15 मिनट हैं, कॉल पर आ सकते हैं आप लोग। लाइव डिस्कशन का लिंक चल रहा है, उसको क्लिक कीजिए और कॉल पे आ सकते हैं, अगर अली भाई की बात से कोई एतराज़ हो या मेरी कोई बात से एतराज़ हो तो। ओके, सो 40 पीपल हम लोगों को लाइव देख रहे थे, उसमें से मेरे ख्याल से सिर्फ वाहिद अली भाई थे जिन्होंने कॉल पे मुझे ज्वाइन किया, मेरे सवाल के जवाब दिया, मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। बाकी हजरात ने अब्यूज़ ही किया है, उनके कमेंट्स पढ़ने के काबिल नहीं है बहुत, मैं स्क्रीन पे भी शो नहीं करूँगी, रहने दीजिए। तो इस्माइली जमात से जवाब नहीं मिला, अली भाई ने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन स्टिल कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो मैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट को अभी यहाँ पे एंड कर देती हूँ, 30 लोग अभी देख रहे हैं, सबको खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे। हिम्मत कीजिए, अगर आपके पास कोई जवाबात हो तो आपका हक बनता है और आपका राइट बनता है कि आप अपने मजहब की सही अक्कासी करें और सही पैरवी करें। इस तरह हमें जो है वो बिना किसी जवाब के आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरा जो कन्वर्जन था, मेरा जो रिवर्ट होना था, वो इसीलिए था कि मुझे जवाब नहीं मिले, और आपकी खामोशी आपकी जमात को नुकसान पहुंचा रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है।